सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफी था इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग के लिए गुड न्यूज है। दोस्तों अगर आप वोडाफोन के कस्टमर है तो वोडाफोन के कस्टमर के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वोडाफोन ने अपने कस्टमर के लिए जियो का जैसे कॉलर ट्यून था सेम उसी तरह वोडाफोन भी अपने कस्टमर के लिए कॉलर ट्यून लॉन्च कर दिया है। दोस्तों कॉलर ट्यून सेट कैसे करना है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वोडाफोन का सिम है तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये वोडाफोन का ऐप है, वोडाफोन कॉलर ट्यून, ये देखिए ये जो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ वो वोडाफोन कॉलर ट्यून करके ऐप्स है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, वो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को वोडाफोन कॉलर ट्यून का आप लोग को डाउनलोड कर देना है। आप लोग को डाउनलोड करने के लिए वोडाफोन कॉलर ट्यून ऐप सर्च कर लेना है। वोडाफोन कॉलर ट्यून ऐप आप लोग को सर्च जैसे करेगा कुछ इस तरह का दिख जाएगा इंटरफेस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी इसका डाटा डाउनलोड नहीं हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए हाँ फिर भी 5 मिलियन हो चुका है डाउनलोड इसका, तो ठीक ठाक है। इतना खराब रिव्यू भी 4.2 का है। हम बात करते हैं, हमारा तो रिव्यू चैनल है तो हम रिव्यू ही करते हैं, तो इसका 4.2 का रिव्यू है और 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो सिंपली मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा है, मैंने सब ओटीपी सब कुछ रेडी करके रखा है, सिर्फ मुझे गाना सेट करना है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे आप लोग को सब कुछ करना है। तो जैसे आप ओपन करते हैं इस तरह का आप लोग को लोगो दिख जाएगा, और जैसे आप नए एंटर करते हैं, आप नए जैसे मतलब स्टार्टिंग में आप इंस्टॉल करने के बाद जब करते हो तो आप लोग को है ना अपना मोबाइल नंबर डालना रहता है और ओटीपी, अगर आप आपके छोटे दूसरे मोबाइल में अगर वो इंस्टॉल है या फिर वो मतलब वोडाफोन का आपका जो सिम है वो स्मार्टफोन में नहीं है, दूसरे छोटा से फ़ोन में है डब्बे वाले फ़ोन में, तो आप लोग को जो ओटीपी आएगा वो सिम का वो उसमें से ओटीपी लेके आप लोग को ये मोबाइल में डाल लेना है स्मार्टफोन में, और वहाँ से आप दूसरे मोबाइल का जो रिंगटोन है वो सेट कर सकते हो। तो इस तरह से, और ऊपर जो हम बात करते हैं ऊपर आप लोग को लैंग्वेज मिल जाता है। लैंग्वेज आप जब इंस्टॉल करोगे नंबर डालोगे उस समय भी आपसे पूछेगा लैंग्वेज कि आपको कौन से लैंग्वेज पसंद है गाने में, तो इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से भी चॉइस कर सकते हो लैंग्वेज। देखिए मैंने सिर्फ हिंदी चॉइस किया है, आप लोगों को लैंग्वेज इतनी सारी मिल जाएगी, देखिए बंगाली भोजपुरी इंग्लिश गुजराती हिंदी कन्नडा मलयालम मराठी ओडिया पंजाबी राजस्थानी तमिल और तेलुगु हरियाणवी, ये सब मिल जाएगा आप लोग को, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक गाना आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जियो जैसा ही फ्यूचर है, मुझे तो लगता है जियो से थोड़ा इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा ज़्यादा दिया गया है जियो से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को कर देना है, आप लोग को जो भी गाना चॉइस पसंद होगा आप लोग कर सकते हो। देखिए फिलहाल मैं एक गाना सर्च कर लेता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट गाना है नदिया के पार का, तो मैं वो सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह से सर्च कर लेना है आप लोग को, देखिए मैंने सर्च कर लिया और देखिए ये आ गया है गाना। आप लोग को क्या करना है, सिंपल यहाँ से प्रेस करके चला लेना है थोड़ा देर। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका नेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए चलाने के लिए, तो इस तरह से आप प्ले करके सुन सकते हो म्यूजिक को, म्यूजिक आप लोग को सुन लेना है इस तरह से। और जैसे आप सुनने के बाद आपको सेट करना है, तो सेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ सेट पर क्लिक कर देना है। सेट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि ये फ्री प्लान नहीं, यहाँ पे फ्री प्लान शो नहीं कर रहा है फिलहाल, तो पेटीएम वॉलेट और ये वोडाफोन अकाउंट, तो दोस्तों ये फ्री प्लान नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को अगर पेड प्लान लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये ऐप रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप पेड प्लान नहीं लेना चाहते तो आप लोग के लिए ये ऐप नहीं है। दोस्तों मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी अभी लॉग इन किया और आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये आप लोग के लिए पैसे दे करके आपको पेड प्लान लेना है, तो दोस्तों अगर आपके पास है ऐसा रिकमेंड आप पेड प्लान ले सकते हो तो आप यहाँ से अपनी चॉइस से यहाँ पे सॉन्ग ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये पेड प्लान है, तो समझ सकते हो आप, मैंने भी और भी ट्राई किया था। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना चाहे तो अपने मोबाइल में कॉलर ट्यून लगा सकते हो, और कंपनी के पास आप चॉइस करते हो तो फिर कंपनी आपको 2-4 गाना ही देती है, लेकिन यहाँ से आप क्या पेड प्लान में क्या आप पूरा फुल हिस्टोरी निकाल सकते हो, आपको जो भी गाना पसंद होगा यहाँ से सर्च मार सकते हो। और तो सबसे अच्छी फ्यूचर इसमें यह है कि आप यहाँ से नेम सर्च करके अपने नेम का, जैसे मेरा नाम है कृष्णा, तो मैं अपना कृष्णा करके सर्च करूँगा तो मेरे नाम का जो कॉलर ट्यून होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कृष्णा करके इतना बहुत सारा कॉलर ट्यून है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको सी ऑल कर देना है, और देखिए कृष्णा करके बहुत सारा कॉलर ट्यून, आपको
कोई भी कॉलर ट्यून पसंद आए वैसे आप अपने नाम का डाल सकते हैं, जैसे किसी का नाम विकास है तो विकास करके डालेगा। तो ऐसे देखिए विकास करके बहुत सारा आ गया, अरे कहाँ गया, तो ऐसे विकास करके बहुत सारा आ गया। देखिए यहाँ पे सी ऑल करके आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आप भी अगर आपके पास पेड प्लान लेने की क्षमता है, आप भर सकते हो पेड प्लान ले सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने मन से लगा सकते हो या फिर आप पहले से लगाते हो प्लान म्यूजिक कॉलर ट्यून अपने मोबाइल में, तो आप लोग वो प्लान छोड़ करके आप यहाँ से खुद चुनिए और खुद के चुना हुआ गाना अपने मनपसंद गाना लगाइए कॉलर ट्यून में। ये आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग के मन पसंद का रहेगा और अच्छा भी रहेगा आप लोग को। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में वोडाफोन का जो कॉलर ट्यून ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हालांकि आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं नहीं दे पाया तो आप लोग यहाँ से कर लेना, क्योंकि आप लोग भी तो कुछ सर्च करके सीखो। तो इस तरह से आप लोग भी, आपको सिंपल क्या सर्च करना है, वोडाफोन कॉलर ट्यून्स आप लोग को प्ले स्टोर में सर्च कर देना है, वोडाफोन कॉलर ट्यून, तो आप लोग को लोगो दिख जाएगा। देखिए एक बार मेरे वीडियो को पॉज करके आप लोग लोगो जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में कर सकते हैं इंस्टॉल, और आपके पास अगर पेड प्लान लेने की क्षमता है तो आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से था वोडाफोन कॉलर ट्यून के बारे में। आप बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है वोडाफोन कॉलर ट्यून का, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है तो काफ़ी नया है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।